ओनर का ही ऑर्डर है। एक उधर दिया हो और एक ये भैया को। श्रीकाल जी, मेरा नाम कुलप्रीत कौर है। मैं इतने अपना मोहाली से चाप कॉर्नर चला रही हूँ। स्टार्टिंग तो मेरा ऐसी कि सिर्फ मैं अपने स्टडी नू लेके ही डेडिकेटेड थी, अपनी स्टडी करती थी। उस तो बाद मेरा एक एम थी कि मैं कोई जॉब करनी है, लेकिन वो वधिया लेवल दी करनी है। तो उस तो रिलेटेड मैं अपना अगे करियर कंप्यूटर से चूज किया। आई हैव डन एम एस सी आई टी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। 2013 से मैं अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी। आफ्टर दैन मैं उसके विच उस तो बाद मैं अपनी जॉब कंटिन्यू की। जॉब कंटिन्यू करन तो बाद कुछ सरकमस्टांसिस एवें दे हो गए कि मैं अपनी जॉब छड़नी पई, क्योंकि कुछ कह लो कि टेंशन एंगजाइटी वगैरह एवें का कुछ सी, करके मैं अपनी जॉब छड़नी पई। तो 2-3 साल मेरे एवें निकले कि बहुत बेकार एक्सपीरियंस थी लाइफ का। उन्होंने ओवरकम करने मैं बहुत मेडिसिन्स भी लिया सी, ते मतलब मैं ये लगता है कि मेडिसिन्स भी जरूरी है। ये नहीं है कि तुसी सिर्फ एक सपोर्ट नाल, एक मोटिवेशनल स्पीचेस या काउंसलिंग नाल कवर कर जाते हो। मतलब मैं ये लगता है कि अगर थोड़ा कोई बीमारी है तो उसका सिर्फ सोल्यूशन ये नहीं है कि थोड़ा सपोर्ट मिलती है, इमोशनल सपोर्ट वगैरह। मेडिसिन्स भी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन एक होंगे ना साइकिल दोनों पहियों नाल चलती है। तो कल मेडिसिन्स के सिर पर भी तुम ये नहीं कर सकते कि हाँ रिकवरी हो जाती है। उस चीज़ लिए अगर तुम काउंसलिंग करान भी जाते हो तो थानू वो लोग कहते हैं जो थानू पसंद है वो करो, डायरी राइटिंग ये है वो है, तो दोनों चीज़ा साइड बाय साइड चल रही। तो फिर उस तो बाद मेरी मैरिज का होया, तो फिर मतलब इन्हों असी सारा कुछ क्लीयर दसिया सी, तो आफ्टर दैन ही गेट रेडी टू मैरी मी। तो फिर एक इमोशनल सपोर्ट वाली गल सी कि मैनू बहुत ज़्यादा मिली, तो इमोशनल सपोर्ट करके भी मेरी रिकवरी काफ़ी हुई। बट मैं ये सीखा कि जो मैं अपना पिछले एक्सपीरियंस छड़ चुकी हाँ, जॉब कर दी सी, मेरा करियर ख़राब हो गया सी, तो मैं ये सी कि हाँ हूँ मैं दोबारा अपनी लाइफ में उम्मीद स्टार्ट करूँगी, चाहे मैं कोई बिजनेस करा चाहे जॉब करा, लेकिन आई शुड बी अ वर्किंग लेडी। तो मैं इस करके आफ्टर मैरिज इन्होंने अपने बिजनेस का ही सोचा कि चलो दोवे अपने हसबैंड वाइफ दोवे बिजनेस करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा साढ़े वो फ्यूचर लिए भी। तो यह कि कोई साइड बिजनेस करना सी, तो साइड बिजनेस लिए मैं ये कि कुछ फूडिंग का देखिए वह स्कोप अच्छा है, तो फिर असी चाप का डिसाइड किया। मैम हमारे टाइमिंग्स वैसे 4:30 से 10:30 तक हैं, और डिपेंड करता है कि 11 o'clock भी हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टफ कितना रह गया है। और बाकी जो हमारी लोकेशन है जी, वो हमारी 7th phase में है, फ्लावर मार्केट के ऑपोजिट है, गुरु कृपा चाप कॉर्नर के नाम से कार्ड है। एट प्रेजेंट तो अब मुझे यही है कि जो मेरा ये चाप कार्ड है, ये मुझे कस्टमर के प्यार से, और मेरे मनीषा मैम आए थे, बिंद्रा सर आए थे, उनकी वजह से भी बहुत सपोर्ट मिली है। और मुझे ये है कि अब मैंने और क्वालिटी अच्छी करनी है और कस्टमर को और सेटिस्फाई करना है और इसी बिजनेस को एक्सटेंड करना है। मैम कौन सी चाप बना रहे हो? मैम ये चटपटी चाप है, और क्या डाला आपने? ये मैम सीजनिंग है, इसके बाद ये हमारा मसाला है। और हाँ जी, हाँ जी मैम, ये सारी प्रिपरेशन घर से ही करके लाते हैं। चटपटी में हमारी 3 फ्लेवर ऐड होते हैं जी, एक गार्लिक, अचारी और लेमन, तो मैं तीनों फ्लेवर ऐड करूँगी। मैरिनेशन हमारी 2 ही होती हैं, उसके बाद हमारे फ्लेवर्स ऐड होते हैं। ये मैं इसमें अचार का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और अपना लेमन फ्लेवर ऐड करूँगी जी। उसके बाद ये हमारी चटनी है, इसको खोलना, वो ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू चाप, और फिर इसमें बटर डाल के हम लोग इसमें चटपटी चाप रेडी करेंगे जी।
बात बताओ, आपके लिए क्या डिफिकल्ट नहीं होता सब कुछ मैनेज करना, घर का भी करके आना फिर यहाँ पे आकर भी सारा काम करना? मैम घर पे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे ही करते हैं जी. Okay. क्योंकि अगर यहाँ पे करते हैं तो घर पे भी इकट्ठे ही करेंगे. तो ये है कि अगर घर पे जैसे हमारे मेड है तो वो नहीं आते हैं तो मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं. तो जो वो काम है वो मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट करते हैं पूरे घर के काम में, क्योंकि पता है कि यहाँ पे मैंने ये काम भी करना है. इसलिए तो घर का काम भी हम दोनों मिलके करते हैं, बस ये किचन का रह जाता है, वो तो फिर करना ही पड़ता है. अगर नहीं होता तो फिर वो बाहर से मैनेज कर लेते हैं. ये नहीं है कि घर पे ही बनाना कंपलसरी. चलिए भाई, मेरी तो ना चटपटी चाप आ गई है, इसको टेस्ट. चटपटी चाप तो भाई सच में बहुत ही ज़्यादा चटपटी है, मज़ा आ गया भाई खा के. और इसमें ना चटपटी चाप में ना उन्होंने लेमन अचारी गार्लिक तीनों चीज़ें डाली और तीनों चीज़ों का ना बहुत अच्छा फ्लेवर जो है ना वो उभर के आ रहा है. मज़ा आ गया अभी खा के. मैं तो ना भाई पूरी प्लेट जो है चट कर जाऊँगी, इतना मुझे पता है. आपको भी अगर ये चाप खानी है ना, इसका जो लोकेशन है ना, गुरु कृपा चाप कॉर्नर है फेस 7 मोहाली में. जब भी कभी यहाँ मैं मोहाली पर आना तो यहाँ पर आकर चाप को जो है ना ज़रूर ट्राई करना. तो अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के अपना ढेर सारा ख्याल. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी इस वीडियो को लाइक करना. बाय बाय.